हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग। हम लोग आज NCERT क्लास 10th मैथ जो उसका एक्सरसाइज 1.1 है, जिसे हम लोग रियल नंबर के नाम से जानते हैं, उसको आज समझेंगे। जो यह एक्सरसाइज है 2023 यानी कि 2023 नया पैटर्न जो आया है मैथ का, उसको ध्यान में रखकर ये बनाया जा रहा है। तो चलिए हम लोग जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। बोल रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, और उसमें आपको क्या करना है। जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हमको दिया है 140। कितना दिया है? 140। इस 140 को मुझे किस में चेंज करना है? तो प्राइम फैक्टर में। किस में चेंज करना है? प्राइम फैक्टर में। जब भी मुझे इसको प्राइम फैक्टर में चेंज करना होगा, मैं इस 140 को किस में चेंज कर लूँगा, पहले ब्रेक डाउन कर लूँगा, LCM निकाल लूँगा। 2 से करते हैं, चलिए 2 7 जो कितना होता है 14, और ये 0 है, 0 आ गया। फिर 2 से करते हैं, 2 का टेबल 7 में पढ़ेंगे तो कितनी बजेगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं फिर 5 से करता हूँ, क्योंकि 3 के टेबल में ये 35 नहीं कटेगा, 5 के टेबल में करते हैं, 5 7 जा 35, और लास्ट में मेरा 7 है, तो 7 1 जा 7। अब अगर मुझे प्राइम फैक्टर में इसे तोड़ना है तो मैं ऐसे लिखूँगा 140 इज इक्वल टू, ये जो मुझे इतने सारे यहाँ पे मिले हैं इसको मैं लिख लेता हूँ एज इट इज, 2 2 5 और 7। अब यहाँ पे इसको मैं जो ये पावर है इसको 2 टाइम्स लिखा है ना, 2 जो है कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो इसको मैं 2 की पावर 2 लिख लेता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो 2 है 2 टाइम्स है, और मल्टीप्लाई 5 जो ये है और जो ये 7 है, इसको ऐसे मैं उतार लेता हूँ। बस यही मेरा क्या हो गया, इसे ही हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। और हमें निकालना था क्या, प्राइम फैक्टर्स, तो यही हमारा क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया प्राइम फैक्टर। जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का मेरा ये आंसर हो गया। चलिए हम लोग चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, इसके जो सेकंड पार्ट है उस पर। सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पर भी वही हमें प्राइम फैक्टर निकालना है, तो प्राइम फैक्टर निकालना 156 का। तो 156 को पहले हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो इसको किससे, पहले 2 से, 2 7 जाए कितना हो जाएगा 14, और यहाँ पे 1 बचा तो ये हो जाएगा 16, तो 16 का कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16। फिर 2 से मैं फर्दर इसको डिवाइड करता हूँ, तो 2 से करेंगे 2 3 जा 6 हो गया, और 2 8 जा 16, और 2 9 जा 18, तो 9 टाइम्स हो गया। अब यहाँ पे 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में कौन सी डिजिट है, ये 9 है, तो अब मुझे अगर 9 दिखेगा तो मुझे 3 से डिवाइड करना है, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब लास्ट में मुझे 13 अगर दिख गया, तो 13 ऐसा नंबर है जो अपने आप से कटती है, जिसे 13 1 जा 13 हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 156 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 2 3 15। अब यहाँ पे 2 कितनी टाइम्स लिखा हुआ, 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 3 15। ये मेरा आ गया क्या, प्राइम फैक्टर। तो मैं लिख दूंगा, यही मेरा क्या हो गया, प्राइम फैक्टर हो जाएगा, यही मेरा प्राइम फैक्टर हो जाएगा, और ये मेरा आंसर हो गया। तो ये सेकेंड पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। चलते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पे। अगर हम लोग थर्ड पार्ट की बात करें, तो थर्ड पार्ट जो हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है, यहाँ पे कितना है, 3 8 2 और 5। यहाँ पे मुझे इसका प्राइम फैक्टर करना, तो इसको डिवाइड हम लोग करते हैं। तो अगर लास्ट में मुझे 5 दिख जाए, तो पहले मुझे 5 पे नहीं जाना, पहले मुझे 3 से चेक कर लेना है। तो ज़रा देखिए, 3 से क्या करने का डिवाइड का रूल है, पहले इसको ऐड कर लेते हैं। 3 और 8 कितना हो जाएगा, 11। 11 और 2 कितना हो जाएगा, ज़रा हम लोग इसको अगर ऐड करेंगे, ज़रा ऐड करके तुरंत चेक कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 8 और 2 कितना हो गया, 10। 10 और 8 18। 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21। और इस 21 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, देखिए इस 21 को अगर मुझे डिवाइड करना हुआ, किससे, 3 से डिवाइड करना हुआ, तो जरा देखिए 21 डिवाइड बाई 3 से बन जाए कितना हो जाएगा, 21। ये पूरा कट गया, इसलिए मुझे
पता चल गया कि किससे कटेगा, 3 से कटेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, इसको 3 से डिवाइड करते हैं। अगर 3 से किया तो 3 बन जा 3, 3 टू जा 6 हो जाएगा, 3 टू जा 6, और यहाँ पे 2 बचा है, 3 7 जा कितना हो जाएगा 21, और यहाँ 3 5 जा 15। अब यहाँ पे 3 से अगर कटा तो फिर लास्ट में 5 फिर दिखा, तो फिर मुझे 3 से इसको काटना है। तो 3 से काटेंगे 3 4 जा 12 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 3 2 जा 6, और यहाँ पे 3 5 जा 15 हो जाएगा। फिर मुझे 3 से देखते हैं कि ये 3 से कटेगा, नहीं, क्योंकि 4 और 2 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, 11 3 से डिवाइड नहीं होता, अब मुझे 5 से ही डिवाइड करना होगा। तो 5 का टेबल मुझे कितनी बार पढ़ना है, 42 टाइम्स में, 42 से ज़्यादा ना हो। तो कितना हो जाएगा 5 8 जा कितना हो जाएगा 40, और यहाँ पे 2 बच गया, 2 और 5 कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 5 जा 25। अब मुझे फर्दर 5 से काटना है, तो 5 से अगर मैं फिर काटूँगा तो 5 1 जा 5, और यहाँ पे कितना बचा 3, और 35 बच गया, तो 5 कितना हो जाएगा 5 7 जा 35, और यहाँ पे मेरा लास्ट में 17 है, तो ये 17 से कटेगा, 17 1 जा 17। अब मैं यही लिखूँगा 3 8 2 5 इज इक्वल टू, क्या लिखूँगा 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अब यहीं पे मुझे देखते हैं कितनी बार लिखा है 2 times, ये कितनी बार लिखा है 2 times, तो 3 का पावर 2, 5 के पावर 2 × 17, और ये मेरा क्या आ गया, यही मेरा प्राइम फैक्टर आ गया, ये मेरा क्या हो गया प्राइम फैक्टर, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। जब हम फोर्थ पार्ट की इसके बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे सवाल कह रहा है। फोर्थ पार्ट जो है वो बोल रहा है 5005। जब भी 5000 की 5 की बात हो रही तो लास्ट में मुझे 5 दिख गया, तो मुझे पहले चेक करना 3 से, तो 5 5 अगर इसको ऐड करेंगे 5 5 10 10, 3 से डिवाइड होगा नहीं, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे मुझे एलसीएम निकालना है, जो कि मुझे किससे करना है, जो मुझे 5 से करना है। तो यहाँ पे मैं 5 से अगर इसको डिवाइड करूँगा तो 5 1 जा 5, 00 ऐसे रहेगा, 5 1 जा 5। फिर मुझे यहाँ पे किससे करना होगा, अब देखिए यहाँ पे जब भी 1 आ गया है तो ये 5 से कटेगा नहीं, डिवाइड नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, सीधा सीधा यहाँ पे अगर मैं इसको लेकर जाऊँ तो 6 से भी नहीं होगा, 7 पे आते, 7 से चेक कर लीजिए, 7 1 जा 7, यहाँ पे कितना बचा 3, और 3 0 कितना हो जाएगा 30, तो 7 4 जा कितना हो जाएगा 28, और कितना हो जाएगा 2, 7 3 जा 21, यहाँ पे 21 ही बचा, 7 3 जा 21 हो गया। अब यहाँ पे 143 जब भी दिखेगा तो याद रखे रहना ये 11 का पेयर होता है, यानी कि 11 1 जा 11, यहाँ पे 3 बचा, 11 3 जा 13, और लास्ट में 13 मेरा है ही, तो 13 किससे कटेगा 13 1 जा 13। अब यहाँ पे मैं वही लिख देता हूँ 5005 इक्वल टू 5 × 7 × 11 × 13। अब यहाँ पे कोई पेयर है ही नहीं, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे प्राइम फैक्टर, यही हमारा क्या निकल गया प्राइम फैक्टर, और ये मेरा आंसर हो गया। इसके अगले पार्ट पे हम लोग चलते हैं, क्या कह रहा है फिफ्थ पार्ट जो बोल रहा है, ये फिफ्थ पार्ट क्या है 7 4 2 9। यहाँ पे जब भी मुझे इसको डिवाइड करना होगा तो याद रखना अगर 9 है तो मुझे चेक कर लेना 3 से, तो ऐड कर लेना है, तो क्या हो जाएगा 9 और 2 कितना हो गया 11, 11 और 4 कितना हो गया 15, और 15 और 7 कितना हो जाएगा ये 32, जो कि 3 से डिवाइड करने पे नहीं आएगा, 3 से नहीं हुआ तो ये 9 से भी नहीं होगा, अगर 9 और 3 नहीं हुआ तो बस अब प्राइम नंबर क्या है 17 है, तो 17 पे हम लोगों को जाना है, क्यों, क्योंकि ये 13 पे भी नहीं होगा, जब 3 से नहीं हुआ 13 पे भी नहीं जाएंगे हम लोग, सीधे सीधे 15 पे जाना ही नहीं, सीधे सीधे 17 पे जाना है, 17 का टेबल हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। तो
सेवनटीन फोर जा कितना हो जाएगा 68, 74 जा कितना हो जाएगा 68। अब यहाँ पे 74 है और 68 अगर मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ज़रा देखते हैं, यहाँ पे 6 बचेगा, कितना बचेगा 6, और ये 2 है ही, तो ये कितनी टाइम्स हो जाएगा, तो ये 73 जा कितना हो जाएगा 51 इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो अगर 51 सब्ट्रैक्ट करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, और लास्ट में कितना बचा है 9, तो यहाँ पे कितनी 119 हो गया। ये कितनी बार जाएगा 17 7 जा कितना हो जाएगा 119, तो यहाँ पे मेरा ये आ गया। अब यहाँ पे मुझे फिर फर्दर डिवाइड करना है, किसे डिवाइड करेंगे, जब 7 आ गया है तब यहाँ पे मुझे 17 के आगे ही जाना, क्योंकि पहले कटेगा नहीं, तो 19 पे हम लोग चलते हैं, क्योंकि प्राइम ही है, प्राइम पे चलते हैं, तो 19 का टेबल पढ़ते हैं, 19 3 जा ज़्यादा हो जाएगा, 19 2 जा कितना हो जाएगा 43 है, 19 2 जा 38 है, 38 सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, जब 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 में से 3 जाएगा 0, 5 और ये 7 57, तो कितनी टाइम जाएगा 3 टाइम जाएगा, 19 3 जा कितना हो जाएगा 57। अच्छा अब 23 मुझे अगर मिल गया तो 23 से ही कटेगा, तो 23 1 जा 23, अब मुझे मिल गया है तो मैं लिखूँगा 7429 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। अब यहाँ पे यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा प्राइम फैक्टर हो गया, यही हमारा क्या हो गया प्राइम फैक्टर, और ये मेरा आंसर निकल के आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के हमने सारे पार्ट क्लियर कर लिए हैं, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। लिखा हुआ है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे वेरीफाई करना है, यहाँ पे मुझे क्या करना है वेरीफाई, वेरीफाई करने का मतलब है मुझे एक बार जो वेरीफाई करना है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू क्या लिखा है प्रोडक्ट ऑफ टू क्या लिखा है नंबर्स। अब यहाँ पे मैं पहले एलसीएम निकालूँगा फिर एचसीएफ निकालूँगा फिर दोनों का मुझे मल्टीप्लाई करना है, और इधर जो दोनों नंबर हैं उसका प्रोडक्ट मैं चेक करूँगा, अगर दोनों बराबर आएंगे तभी मेरा वेरीफाई होगा। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है 26 का मुझे अगर निकालना होगा एलसीएम, तो एलसीएम किस तरह से निकलता है आप लोग अच्छे से जानते हैं इस तरह से, चलिए 2 से करते हैं, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब यहाँ पे 13 है तो 13 से ही कटेगा, 13 1 जा 13, तो 26 का जो मेरा आया कितना आया 2 मल्टीप्लाई 13। अब जब ये एलसीएम हो गया मेरा, ये क्या निकल कर आया 2 × 13, ये 26 का निकल कर आया। सेम इसी तरह से मेरा 91 है तो हम लोग 91 का भी निकाल लेते हैं, 91 का जब मैं निकालूंगा तो ये 7 से ही डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा 7 से डिवाइड होगा। तो एक मिनट आप लोग इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर होके दिखे, ये वाला जो मेरा है ये अलग है। अब हम लोग चलते हैं 91 पे, तो ये जब 7 से डिवाइड होगा, 91 की अगर मैं बात करूं तो कितनी टाइम जाएगा 7 1 जा 7, इसको मुझे कलर चेंज करना है एक मिनट, चलिए अब यहाँ पे मुझे 7 1 जा कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 बचा, तो 7 3 जा कितना हो जाएगा
सेवन थ्रीजा मेरा 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे 13 है तो 13 से ये डिवाइड हो जाएगा। इसका जो मुझे आया यानी कि 91 का जो मेरा आया कितना आया, 7 × 13 आया। अब आप लोग ये देख सकते हैं अच्छे से कि जो ये नंबर है, ये दोनों जो नंबर है, इन दोनों नंबर में कॉमन कौन सा है। आप लोग अगर अच्छे से देखेंगे जो कॉमन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कॉमन है, तो जो भी कॉमन पार्ट आता है वो HCF हो जाता है। HCF बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। और LCM जो भी मुझे निकालना होता है तो मैं LCM निकालने में सारे नंबर का प्रोडक्ट कर लूँगा। यहाँ पे 2 है तो 2 भी लिख लूँगा, यहाँ पे 7 है 7 भी लिख लूँगा, और जो कॉमन है वो भी लिख लूँगा। तो ये मेरा LCM आ गया। अब इन दोनों का मुझे क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है मुझे, तो मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अगर मैं मल्टीप्लाई किया 13 को 2 × 7 × 13, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ज़रा देखिए 13 × 2 कितना हो जाएगा, 26 हो गया। 26 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ, 7 से करूँ तो 7 × 6 कितना हो जाएगा, 42 का 2 हो गया, कैरी 4 हो जाएगा, और 7 × 2 कितना हो जाएगा, 14, और 14 × 4 कितना हो जाएगा, 14 × 4 = 18 आ गया। अभी ये 13 बचा है, 13 से मुझे और मल्टीप्लाई कर लेना है। 13 से करेंगे 13 × 2 = 26, तो 26 का 6 हो गया। अब यहाँ पे 13 × 8 = 104, और 2 कितना हो जाएगा, 6 यहाँ पे हो गया, और 13 × 13। इस तरह से अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे कैरी जोड़ के कितना जाएगा, 23 आ जाएगा। यहाँ पे अगर मुझे लिखना होगा तो मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पे 2, 3, 6, 6, ये मेरा LCM और HCF का प्रोडक्ट आ गया। अब मुझे दो नंबर जो थे उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करना है। कौन से दो नंबर, एक वाला नंबर 26 था और एक दूसरा वाला नंबर 91 था। तो 26 को अगर मैं इसको कलर को चेंज कर लेता हूँ तब मेरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को बहुत वैरायटी है क्वेश्चन में, क्योंकि प्रोडक्ट वाला जो लिखना है तो 26 को मल्टीप्लाई करना है मुझे 91 से। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 6 = 6 हो गया, 1 × 2 = 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं 9 × 6 = 56, और 9 × 2 = 18, 18 × 5 कितना हो जाएगा, 23, यहाँ पे हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा कितना, 6 × 2, यहाँ पे मेरा देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, 9 × 6 कितना हो जाएगा, 4, यहाँ पे आ जाएगा 4। तो देखिए ज़रा 6 हो गया, 4 × 2 = 6, और ये 3 हो गया, और ये 2 हो गया। जब भी मैं प्रोडक्ट को किया तो भी मेरा कितना है, ये आ गया 2,366, और जब मैं LCM HCF का किया तो भी मेरा आ गया। तो मेरे दोनों ये बराबर हो गए, इसलिए यह पहला क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। तो पहला क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो इस तरह से आप